नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उन्नाव कानपुर खंड में निर्वाचन सीट पर मतदान हुआ और सनातन एमएलसी और शिक्षक एमएलसी सीट पर मतदान हुआ। आपको बता दें कि जनपद के ही 27 मतदेय स्थलों पर मतदान जारी था और जिसके बाद बता दें आपको कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ये मतदेय स्थल रखे गए और शिक्षक एमएलसी में ही 5,844 मतदाता और सनातक एमएलसी के 23,147 मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। आगरा के ताज नगरी में भारी बरसात के कारण ही सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है और बताते चले आपको कि देर रात से नियंत्रण तेज बरसात हो रही है और वहीं बरसात के कारण शीतलहर भी चल रही है। बता दें आपको कि बेमौसम बारिश से फसलों को भी भारी नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आगरा में बरसात के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि जिसके चलते लोगों को बारिश के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि भारी बारिश के चलते फसलें भी खराब हो रही हैं, जिससे किसान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और लोगों को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई में अराजक तत्वों ने बवाल और तोड़फोड़ की है। बता दें आपको कि हर कोतवाली के ही मोहल्ला नगर कॉलोनी आशा नगर से ये मामला सामने आया है, जहां कार से आए कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है और दुधिया मस्जिद के ही साइकिल में टक्कर मारने के बाद विवाद ये बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया है। गाली गलौज कर ईंट पत्थर फेंकने लगे और जिसके बाद ही गली में खड़ी कार और डाला पर भी पथराव क्षतिग्रस्त हुआ है पथराव के कारण। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और पुलिस देखकर ही तोड़फोड़ कर रहे लोग अपनी कार और पल्सर बाइक छोड़कर मौके से भाग निकले। बस्ती के ही मुंडेरवा थाना के NH-28 के गुजाहना गांव के पास बारातियों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई और बस में सवार 16 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बता दें कि उनका इलाज फिलहाल जारी है। और बताते चले कि बिहार के ही छपरा से लखनऊ बारात जा रही थी, जिसके बाद ये हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि हादसे के बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठे होते हुए साफ तौर पर दिखाई दी है और वहीं घायलों का इलाज जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव महाराजगंज जनपद में सुबह 8 बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच ही देखने को मिला है। यहां पर बता दें आपको कि जिला प्रशासन की तरफ से सभी मतदान स्थलों पर सुरक्षा की कड़ी कार्रवाई और इसके साथ ही कड़ी व्यवस्था व्यापक पैमाने पर की गई। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि एमएलसी चुनाव में महाराजगंज जनपद में इस बार कुल 13,078 मतदाता मतदान कर रहे और जिसमें से 9,374 पुरुष हैं और 3,700 महिला मतदाता इसमें शामिल बताई जा रही हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 55 पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भारी पुलिस बल भी तैनाती की गई है। बात करें तो अभी तक कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी रहा और जिला प्रशासनिक अधिकारी लगातार मतदान स्थलों का निरीक्षण करने में लगे हुए थे। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं ग्राम सभा चढ़लहा मोहतरमा विधानसभा का स्थायी निवासी। मैं एमएलसी में जो कि एमएलसी साहब को वोट किया हूं और वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, इसी मुद्दे पे हमने उनको वोट दिया है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था है आपने यहाँ पे देखा? जी, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा है। वोट डालने के लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कोई वो नहीं है कि मतलब कहीं गलत फहमी में कोई वोट पड़ जाए लाइक दैट। कि मेरा मानना है कि अगर ये लोग एजुकेशन के सिस्टम में कुछ कर रहे हैं एंड लाइक दैट इधर के डेवलपमेंट भी बहुत कम है, तो डेवलपमेंट के रिकॉर्डिंग कुछ कर रहे हैं और इधर के रोड्स वगैरह भी उतने भी बेटर नहीं है, अगर उसके रिकॉर्डिंग कुछ करें तो इसके ये सब सोच के मैंने वोट को दिया है।
बांदा में बाइक पर बैठी युवती से अश्लीलता करने वाले आरोपी के घर बुलडोजर चला है। बता दें कि दिन दहाड़े छेड़खानी करने की खबर का सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और जिसके बाद कानून व्यवस्था का दावा करने वाली बांदा पुलिस की इस बेशर्म घटना ने पोल खोल दी थी और जिसको यूपी के मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े जिम्मेदार अफसरों ने संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। और मामले में अब बांदा के एसपी अभिनंदन ने आरोपी के घर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि जिससे ऐसे बेशर्म अपराधी खुलेआम ऐसा काम ना कर सके और इसको लेकर डर जो है उनमें बसा रहे और इस प्रभावी कार्रवाई से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मिशन शक्ति, इसके तहत बांदा पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। दिनांक 27 जनवरी को एक युवक जब वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहा था तो उसकी लड़की के साथ एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप दीक्षित है उसने छेड़खानी की थी। तत्काल उस वीडियो का संज्ञान लिया गया और एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मुकदमा लिखवा के उस अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। आज इसी क्रम में उस व्यक्ति की अवैध संपत्ति को चिन्हित करके इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सफाई में अपने कार्यकर्ताओं से मिले और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रार्थना पत्र लेकर उनकी समस्याएं को सुना है और उनकी फरियाद को सुना है। अखिलेश यादव फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व MLC दिलीप यादव के बेटे की शादी के लिए उसके बाद रवाना हो गए। तो आपको इटावा से खबर बता रहे हैं जहाँ पर अखिलेश यादव ने लोगों की फरियादें सुनी हैं। जानकारी आपको दे दे, अखिलेश यादव सफाई में अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं और प्रार्थना पत्र लेकर उनकी फरियाद भी सुनी है। तो इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सफाई में अपने कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रार्थना पत्र लेकर उनकी समस्याओं को सुना है। अखिलेश यादव फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व MLC दिलीप यादव के बेटे की शादी के लिए उसके बाद रवाना हो गए। चले रुक करते अगली खबर की ओर। श्रावस्ती में साइबर ठगों पर SP प्राची सिंह लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी के दौरान दो मोबाइल अकाउंट में ट्रांसफर किए गए रुपयों में से नकदी बरामद हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों पर राजधानी लखनऊ में पहले से आधे दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भी भेज दिया है। हरदोई में वृद्ध महिला के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई और आग लगने से 50,000 की नकदी समेत घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़ित महिला ने गांव के लोगों पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। मामला आपको बता दें कि मलवा कोतवाली क्षेत्र के गांव हरैया का मजरा साहिमपुर का बताया जा रहा है। पीड़ित महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर पड़ताल की जांच में जुट गई है। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में AMU में जाट महासभा के मंदिर निर्माण कराने की मांग है और साथ ही सभा में कहा गया है कि AMU पढ़ने वाले बच्चों के लिए रामलला के मंदिर का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि AMU में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर का निर्माण कराया जाए, जिसके लिए राम मंदिर के निर्माण के लिए जाट महासभा 21 लाख रुपये का दान देगा। आपको जानकारी दे दें कि मुस्लिम छात्रों के नमाज अदा करने के लिए कैंपस में पहले से दर्जनों मस्जिद मौजूद हैं और साथ ही आगाह किया गया है कि निर्माण न होने की स्थिति में जाट महासभा बड़ा फैसला लेगा। आज का जो इसका उद्देश्य है प्रेस वार्ता का, वो ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों से अलीगढ़ में अभी एक छात्र ने, NCC छात्र ने जब वहां धार्मिक नारे लगाए, धार्मिक नारों से जो संदेश देश को गया है वो एक दुखद है, निंदनीय है। और हम बात करते हैं कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में
अल्लाहु अकबर के नारे लग सकते हैं। जब एक सेकुलर यूनिवर्सिटी में, सेकुलर देश में, डेमोक्रेटिक देश में जब उन लोगों को अपनी बात कहने का हक है, तो हिंदू छात्रों को भी इतना हक बनता है कि उनके लिए पूजा अर्चना के लिए व्यवस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को करनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह अकबर के नारे बड़ी तेजी के साथ वहां लग सकते हैं। अलीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एएमयू में जाट महासभा का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि मंदिर निर्माण कराने की लगातार मांग की जा रही है, और इसके साथ ही बच्चों को यहां पर शिक्षा देने की भी बात की जा रही है। कहावत है, संयम है कोतवाल तो अब डर काहे का, ये कहावत सही चरितार्थ हो रही है। और जिले के ही गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र के गंभीरपुरवा गांव में, जहां का एक व्यक्ति थाने में पीआरडी है और थानेदार का परिचित होने के कारण गांव निवासी एक महिला को लगातार परेशान कर रहा है, और पीड़ित जब थाने में उसकी शिकायत करती है तो थाना प्रभारी महिला की शिकायत को अनसुना कर देते हैं। मजबूरन पीड़ित को बड़े साहब के पास न्याय की गुहार लगाना पड़ा है। अमेठी में खिचड़ी भोज का भव्यता के साथ आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई हैं। जिसके बाद आयोजन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बताया जा रहा है कि अमेठी सांसद हैं, और इसके साथ ही पति पर गाने के माध्यम से मंच पर गालियों की बौछार की गई। मंच से लोक गायक ने स्मृति ईरानी के पति का अवधी संस्कृति और अनुरूप, बता दें आप, लोकगीत से उनका स्वागत किया है। तो अमेठी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जानकारी आपको दे दें कि जिसमें बताया जा रहा है अमेठी में खिचड़ी भोज का यहां पर आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई थी, और जिसके बाद आयोजन में केंद्रीय मंत्री, अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के पति पर गाने के माध्यम से मंच पर, बताया जा रहा है कि गालियों की बौछार की गई है। मंच से लोक गायक ने स्मृति ईरानी के पति का अवधी संस्कृति के अनुरूप गौरी लोकगीत से स्वागत किया है। कार्यक्रम था आज आपका? यही कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, घर पर आज मेरे लिए के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, समाज के जितने प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं, खिचड़ी भोज में सम्मिलित हुए हैं। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो अमेठी की सांस्कृतिक धरा है उसका एक परिचय यहाँ पर मिला, तो आप सब यहाँ आए, हम आनंदित हैं, हम कृतज्ञ हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा उन्हें शूद्र समझती है और पिछड़ी जाति का सम्मान नहीं करती। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। पावन दिन है, आगरा में G20 की तैयारियों में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जोन को 5 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसको लेकर सरकारी और निजी चिकित्सालय को चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर हॉस्पिटलों में विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है, और साथ ही होटलों में ही स्थायी अस्थाई हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस में सभी प्रकार के इलाज और जाँच के समुचित इंतजाम जो है वो साफ तौर पर रहेंगे। खबर गोंडा से है। गोंडा में शिक्षक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप यादव जग्गा उर्फ जहांवीर मिश्र गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोपियों के पास से 32 बोर का देशी तमंचा भी बरामद किया गया है। आरोप है कि आरोपी की बहन की निकटता से शिक्षक कृष्ण कुमार यादव की हत्या की गई और आरोपी की बहन से बातचीत करने से इनकार किया था। उसके बावजूद कृष्ण कुमार उससे बातचीत कर रहा था, जिसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आपको खबर हम गोंडा से बता रहे हैं, जहां पर बता दें शिक्षक की हत्याकांड का पुलिस ने फिलहाल खुलासा कर दिया है, और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बताते चले आपको कि गोंडा में शिक्षक हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप यादव जग्गा उर्फ जहांवीर मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या आरोपियों के पास से 32 बोर का देसी तमंचा भी बरामद कर लिया है। आरोप है कि आरोपी की बहन की निकटता से ही शिक्षक कृष्ण कुमार यादव की हत्या की गई है और आरोपी ने बहन से बातचीत करने से मना कर दिया था। उसके बावजूद कृष्ण कुमार उससे बातचीत कर रहा था, जिसके बाद गुस्साए आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।